बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। ऑल फॉर यू कुकिंग एंड ब्लॉग के किचन में खुश आमदीद। आज मैं बना रही हूँ ढाबा स्टाइल चने की दाल फ्राई, जो कि मैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाऊंगी। बहुत आसान है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आने की सूरत में लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। जो नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। एक अदद छोटे साइज़ की प्याज मैंने चॉप कर ली है और आधा कप मैंने घी डाल के रखा है। घी जो है बहुत ही इसमें मुनासिब मकदार में डलेगा, ना कम ना ज़्यादा। तो आप कम ज़्यादा वैसे कर सकते हैं अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। और यहाँ मैंने आधा कप डाला है और घी में ही बनाइएगा, इससे ज़्यादा अच्छी बनती है। और यहाँ पर डेढ़ पाव चने की दाल मैंने पानी में भिगो दी थी 2 घंटे पहले, और अब जो है मैंने इसको बॉयल होने के लिए रखा है और इसको हमने बिल्कुल गलाना है और पानी जो है हमने ज़ाया नहीं करना। इतना पानी डालना है कि उसमें दाल गल जाए और पानी जो है हमारा इतना रह जाए हमारे पास, जिसमें हमारी दाल जो है वो सोख रहे बस। तो इसको करते हैं ब्राउन। प्याज देखिए हमारा सुनहरी हो गया है माशाल्लाह। और इसमें मैं 1 खाने का चम्मच जो है लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देती हूँ। थोड़ा सा चला लेंगे, इसमें 2 दरमियाने साइज़ की टमाटर बारीक काट के मैं डाल देती हूँ। टमाटरों को थोड़ा सा सोख होने देंगे। प्याज को आपने इससे कम ज़्यादा नहीं करना ब्राउन। ये दाल का कलर जो है इस पर इसी पे डिपेंड करता है, आप जैसा प्याज का कलर बनाएंगे। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, अब चलते हैं पाउडर मसालों की तरफ। कुछ मसाले हम अभी डालेंगे, कुछ देर में डालेंगे। तो यहाँ पर लिया है नमक 1 चाय का चम्मच, आधा चम्मच मैंने दाल में भी डाला था, तो आपने नमक अपनी मर्ज़ी से लेना है। कूटी हुई मिर्च जो है वो भी 1 चम्मच लिया है, ये भी आप अपनी मर्ज़ी से लें। आधी चाय का चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, आधी चाय की चम्मच से थोड़ा सा कम ज़ीरा लिया है, 2-3 चुटकियां अजवाइन कलौंजी ली है मैंने, 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, ये भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले लें। अजवाइन ली है 2-3 चुटकियाँ। तो ये तमाम मसाले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें डाल रही हूँ, साथ साथ बाकी मसाले भी मैं डालूँगी वक्तन फवक्तन। एक ही वक्त में तमाम मसाले डालने से उनके जो काम होते हैं वो सही नहीं होते, यानी कि मसालों की खुशबू, मसालों का जायका किस वक्त निकलता है, हर मसाले का एक टाइम होता है डालने का, किसके साथ कौन सा मसाला डालना है ये भी हमें बताएगा कि हमें खाने का पकाने का तरीका है कि नहीं। ठीक है, थोड़ा सा भूनेंगे, ज़रूरत पड़ी तो पानी भी शामिल करूँगी। देखिए जी, 5 मिनट भूनने के बाद इसने घी अलग कर दिया है, ये देखें घी अलग हो गया है, इसका मसाला हमारा मुलायम हो गया है। अब मैं इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच जो है दही शामिल कर देती हूँ। मैंने दही शामिल कर दिया और अब दही का पानी सुखा लेंगे, फटाफट इसको चलाएँगे ताकि दही फट ना जाए, मसाला फट ना जाए। और फ्लेम को ज़रा लो ही रखेंगे ताकि मसाला ना फटे, क्योंकि दही डालने से अगर हाई फ्लेम पर हम दही डालते हैं और जल्दी से चम्मच नहीं चलाते तो दही का मसाला फट जाता है। ठीक है, अब हम दही का पानी सुखाएंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह दही का पानी भी हो चुका है खुश्क और घी दोबारा से अलग हो चुका है। आप देख सकते हैं मसाला हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तैयार हुआ है। और अब यहाँ पर हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है, तो यहाँ पर हम करते हैं दाल शामिल। मैं इससे पहले बता दूँ कि दाल जो है वो कितनी गली है, तो ये मैं फ्लेम को जो कर रही हूँ बिल्कुल स्लो। मसाला जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो गया तैयार और दाल को देखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं कि दाल में बिल्कुल थोड़ा सा पानी है और दाल हमारी 90% जो है वो गल चुकी है। मैं आपको एक दाना दिखाती हूँ इसका, ये देखें दाल हमारी 90% गल गई है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे दाल उठाकर मसाले में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साफ कर दूंगी मिक्सी को और मिक्स कर देते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, अभी जो मसाले हम इसमें शामिल करेंगे उसमें है कुटा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने इसमें डाल दिया। और इसको मिक्स करेंगे और इसको ढक देंगे स्लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए, फिर आपसे मिलती हूँ मैं जी। इसको मैंने थोड़ा सा जो है ना घोटा लगाया है दाल को, और दाल देखें माशाल्लाह कैसी ग्रेवी सी दाल तैयार हुई है। और अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी गरम मसाला पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच, और आप चाहें तो लीमू भी निचोड़ सकते हैं यहाँ पर। और इसको मैं 2 मिनट का दम लगाकर फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। उसको आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार दाल तैयार हुई है। और आप देख सकते हैं कि
दाल कितनी अच्छी सी गल गई है। मैंने इसको घोटा लगाया है, आप चाहें तो इसको घोटा ना भी लगाएं, इसी तरह भी रख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त दाल है, बहुत मज़े की है, और मैं इसको बंद कर दूँ कुछ देर के लिए। तो तैयार है जी हमारी मज़ेदार किस्म की दाल चना की, जो कि मैंने घोट कर तैयार की है। इसको मैंने वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई है, इसके लिए मैं माजरा चाहती हूँ आपसे। तो ये दाल जो है बहुत ही मज़ेदार है, बहुत आप चावलों के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, किसी भी तरीके से खा सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पसंद आने की सूरत में लाइक का बटन दबा दें, शेयर भी करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।